बच्चों लास्ट टर्न पे हम लोगों ने जो डिस्कस करा था वो डिस्कस करा था फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग ये पढ़ रहे थे। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पहला केस था लाइन चार्ज ना, पहला केस हमने पढ़ा था लाइन चार्ज के लिए। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि लाइन चार्ज की वजह से फील्ड कैसे निकलेगी। ठीक है, हमने देखा लास्ट टाइम पे हमने डिराइव करा और इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल भी काफ़ी सारे कर चुके हैं, दैट ई द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज इज इक्वल टू रो एल द लाइन चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट अगर फ्री स्पेस में है तो रो ए रो कैप। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है मेरी वो उस लाइन से उस पॉइंट की तरफ अवे डायरेक्शन में होती है। लाइन अगर मेरी ये है, पॉइंट मेरा यहाँ है, तो उस लाइन से अवे इस डायरेक्शन में होगी मेरी फील्ड इंटेंसिटी, है ना, ये डायरेक्शन होगी ई की। और अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है मेरी रो, तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रो द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट, दिस इज पॉइंट पी। ठीक है, यहाँ पर मैं फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब जो सेकंड केस है, सेकंड केस हमारा है वो है हमारा फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज, फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज। या शीत चार्ज भी बोलते हैं इसको, क्योंकि अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने पूरे चार्ज को ओवर शीत, तो उसको केस में हम बोलेंगे शीत चार्ज। ठीक है, इस फॉर्मूले को लाइन चार्ज वाले को आप याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल में आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आपको इसको डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, बार बार डेरिवेशन करने से बचना है, उससे अच्छा है आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद कर लो। इसके ऊपर मैं कई सारे न्यूमेरिकल करा चुका हूँ, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि बेसिकली वो है क्या। नाउ अब फील्ड ऑफ अ शीट ऑफ चार्ज, जब मैंने लाइन चार्ज के केस में डिस्कस करा, तो लाइन चार्ज के केस में मैंने एक ये चीज़ मेंशन करी थी कि उस पूरी लाइन पर मेरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, आई एम एबल टू क्रिएट स्ट्रेट लाइन, बट लाइन स्ट्रेट ही है, आप अज्यूम कर लेना। इस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी चार्ज डेंसिटी थी रो एल या रो एल जैसा भी आप। ठीक है, अब अगर मैं यही सेम केस बोलूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक शीट है, एक शीट है, ठीक है, ये शीट है, और इस शीट पर मेरा चार्ज है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट है, और इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट पर जो उस सरफेस पर चार्ज मेरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर छोटा सा सेगमेंट लूंगा मैं, तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट पर जो चार्ज आएगा वो मेरा सेम आएगा। ठीक है, मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ, बिकॉज इट विल बी ईजी फॉर मी टू एज्यूम दैट, है ना। तो मैं एक थोड़ा सा करेक्शन करूँगा इसमें, दिस इज एक्सेस। मैं ऐसा क्यों बना रहा हूँ उसके पीछे रीजन है, थोड़ा दूर हो जाएगा तो वो और थोड़ा दूर हो जाएगा, एंगल बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा पास बनाया है। ठीक है, नाउ अब अगर मैं ध्यान से सुनना इस बात को, आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। ठीक है, अगर मैं एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज को ये बोलता हूँ कि मेरी जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है वो छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस से मिलकर के बना है, बोला था ना मैंने,
इट इज मेड अप ऑफ सेवरल पॉइंट चार्जेस. क्यों? क्योंकि मैंने इतना छोटा सा पोर्शन लिया था और इसको एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करा था, और उसके लिए क्यू निकाला था. क्यू कितना निकाला था? क्यू निकाला था मैंने रो एल डी जेड डैश निकाला था ना. अगर इसकी जो हाइट है वो डी जेड डैश है तो इसकी चार्ज डेंसिटी रो एल है. तो इस अमाउंट में ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट में अगर मैं चार्ज निकालूं तो वो कितना होगा? दैट विल बी रो एल डी जेड डैश. निकाला था, ध्यान है किसी को? सब लोगों को याद होगा मैं समझता हूँ. यस सर. यस सर. ऐसे ही अगर मैं ये बोलूं कि द शीट, द इनफाइनाइट लॉन्ग शीट इज मेड अप ऑफ सेवरल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस, तो क्या मैं गलत हूं? मैं बोल सकता हूं ना ऐसा कि एक शीट बहुत सारे इनफाइनाइट लॉन्ग चार्जेस से मिलकर के बनी है ना? तो अगर ऐसा बोलता हूं तो उस शीट की डेंसिटी मेरे को पता है, उस शीट की इंटेंसिटी निकालने के लिए मैं क्या करूं? मैं केवल और केवल ये देखूं कि उस शीट से इंटेंसिटी निकालने के लिए मैं उस शीट को मानूंगा कि ये मेरी लाइन चार्जेस से मिलकर के बनी है. तो जो लाइन की जो मेरी एक्सप्रेशन था, उस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा, और उस एक्सप्रेशन को यूज़ करना फिर मैं अपने डेरिवेशन को, जो मेरा फील्ड ऑफ अ शीट ऑफ अ चार्ज है, उस एक्सप्रेशन को बहुत कम, बहुत जल्दी, बहुत कम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ सॉल्व कर सकता हूँ. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला कि द शीट इज मेड अप ऑफ सेवरल लाइन चार्जेस. सेवरल लाइन चार्जेस इज लाइक कि मैंने एक लाइन चार्ज यहाँ पर लिया, ठीक है, ये लाइन चार्ज है और ये स्ट्रेट है, तो थोड़ा सा ड्राइंग में दिक्कत है इस पेन के साथ, तो आप ध्यान रखना, आप अपना कॉपी में स्ट्रेट लाइन बनाना. एंड दैट इज स्ट्रेट लाइन चार्ज ऑफ थिकनेस. वो थिकनेस कितनी होगी वो हम देखते हैं अभी. ये एक लाइन चार्ज है, और इस लाइन चार्ज को मैं ये बोल रहा हूँ कि दिस इज माई लाइन चार्ज. दो स्ट्रेट लाइन खींच लेना आप सीधे सीधे अपनी कॉपी पे, ठीक है, क्योंकि इस डिजिटल पेन से स्ट्रेट लाइन खींचना बिना किसी रेफरेंस के बड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए. तो आप इसको कर लेना कॉपी पे अपनी, ठीक. ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग, इनफाइनाइट इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, क्योंकि शीट यहाँ ख़त्म नहीं हो रही, शीट इधर ख़त्म नहीं हो रही, शीट इधर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, या माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है. इनफाइनाइट शीट है ना, इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट है शीट, तो ऑटोमेटिकली इस इनफाइनाइट शीट की वजह से हम फील्ड निकाल लेते हैं. नाउ अज्यूम द शीट चार्ज डेंसिटी इज रो एस. शीट चार्ज डेंसिटी इज रो एस. और मैं अगर ये बोलूं कि इसकी जो विड्थ है, जो मैंने अपने लाइन चार्ज की विड्थ मानी है, वो कितनी है? दैट विड्थ इज डी वाई डैश. फॉर एग्जाम्पल दिस इज डी वाई डैश, ठीक है. तो अगर मैं इसकी डेंसिटी बोलता हूँ, सॉरी इसकी जो विड्थ है वो विड्थ बोलता हूँ कि इट इज डी वाई डैश. नाउ वॉट इज द प्रोसेस टू गो फॉर, ठीक है. द प्रोसेस इज कि अगर मैं इस ओरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस निकालूं, तो ये लाइन की डिस्टेंस मैं मान लेता हूं कि दिस इज वाई, है ना, वाई डैश इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर मैं डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा तो बड़ा डिफिकल्ट होगा, तो डी वाई डैश के कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीग्रेट करूंगा, है ना. इसलिए मैं इसको थोड़ा डी वाई डैश मान करके चल रहा हूँ. ओरिजिन से ये डी वाई डैश डिस्टेंस पर है ना. अगर मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, ठीक है, ये मेरा पॉइंट पी है ना, ये मेरा पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर मैं फील्ड निकालना चाहता हूँ एक्स एक्सिस पर, ठीक है. क्यों निकालना, उसके पीछे रीजन है, बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन मैं इस पॉइंट पर फील्ड निकालना चाहता हूँ. तो आप मुझे बताओ कि इस पॉइंट की इस लाइन से किस पर्टिकुलर पॉइंट से ऐसा होगा जबकि मिनिमम डिस्टेंस होगी. द मिनिमम डिस्टेंस विल बी जहां पर इस लाइन पर एक्स की वैल्यू कितनी हो, जीरो, सॉरी वाई की वैल्यू कितनी हो, जीरो, सॉरी वाई की नहीं, एक्स की वैल्यू कितनी हो, जीरो, ठीक है, यहां पर होगी.
मैं मान के चल रहा हूँ कि जो मेरी शीट है ये वाई जेड प्लेन में रखी है, मतलब वाई इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट और जेड इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, एक्स इक्वल टू जीरो पर रखी है। तो अगर मैं इस लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो मिनिमम डिस्टेंस होगी इस वाले पॉइंट से, है ना, क्योंकि ये भी एक्स इक्वल टू सॉरी वाई इक्वल टू जीरो पे है। इस वाले पॉइंट पर देखें तो ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाले पॉइंट पर एक्स जीरो है ना। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू वाई डैश एंड जेड फॉर ऑल जेड, है ना। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट से यहाँ पर परपेंडिकुलर डालना चाहूँ मिनिमम डिस्टेंस के लिए तो वो क्या होगा, द मिनिमम डिस्टेंस विल बी लाइक दिस, लाइक दिस। ये फील्ड की डायरेक्शन होगी कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों, इस फील्ड की डायरेक्शन होगी कुछ इस डायरेक्शन में, दिख रहा है ना आपको ये पतला सा एरो? यस सर। लाइन है ना, अगर मैं yes, इस लाइन से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर परपेंडिकुलर डालूं, परपेंडिकुलर डाल ही नहीं सकता इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर लाइन से इस पर्टिकुलर पॉइंट को ज्वाइन कर दूं तो इस डायरेक्शन में मेरी फील्ड होगी, और ये इस पर्टिकुलर पॉइंट और इस लाइन के बीच में मिनिमम डिस्टेंस है। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये मिनिमम डिस्टेंस नहीं होगी, अगर मैं उसको जोड़ूंगा यहाँ से देखूंगा तो ये भी मिनिमम डिस्टेंस नहीं होगी, मिनिमम डिस्टेंस होगी हमेशा इस पर्टिकुलर पॉइंट की इस पर्टिकुलर पॉइंट से, या क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, जीरो। ठीक है बच्चों, क्लियर है या नहीं? z की वैल्यू जीरो है क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पर है x के कोऑर्डिनेट x, y के कोऑर्डिनेट जीरो, z के कोऑर्डिनेट जीरो। तो अगर मैं इसके परपेंडिकुलर देखूँ तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ पे होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू वाई डैश और z इक्वल टू जीरो, है ना। तो ये वाली वैल्यू है मेरी x, ये वाली वैल्यू है मेरी y डैश। मैं ये वाली वैल्यू निकाल सकता हूँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए इसको डिराइव करता हूँ। ये फिगर क्लियर है, पहले तो ये बताओ मुझे आप। यस सर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर डैश, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ मान लेता हूँ कि ये जो एंगल है दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। ये वाली वैल्यू अगर x है, छोटा x ले लो स्मॉल x, ठीक है। ये वाली वैल्यू अगर y डैश है तो ऑटोमेटिकली दिस वैल्यू विल बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर। अब आप जरा मुझे ये बताओ कि मेरी जो फील्ड होगी E, अगर इस लाइन के लिए निकालना हो, डिफरेंशियल लाइन एलिमेंट में मान के चलना हो, तो दिस विल बी डी ई। नाउ डी ई क्या होगी, जल्दी बोलो। डी ई होगी मेरी रो एल डिवाइड बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट रो, ए रो क्या, यही होगी ना, जल्दी से बताओ। यस सर। होगा या नहीं? यस सर। ठीक है, यहां पर रो कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, आया ना? यस सर। जल्दी बोलो, आया ना, यही है ना? ठीक है। यस सर। ठीक, तो अगर मैं इसको वेक्टर की जगह केवल स्केलर क्वांटिटी लेकर के चलूं तो मैं डी ई को लिख सकता हूं, डी ई कैन बी रिटन एज रो एल डिवाइड बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट और एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर का पावर हाफ, देख सकता हूं। अब मुझे रो एल देखना है, रो एल क्या है, क्योंकि वहां पर तो लाइन चार्ज था, यहां पर तो सरफेस चार्ज दे रखा है, रो एस गिवन है, तो रो एस गिवन है और मुझे रो एल निकालना है ना। तो मुझे पता है रो एस डी एस इक्वल टू रो एल डी एल इक्वल टू क्यू इक्वल टू रो वी डी वी, है ना।
ये तो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। तो अगर मैं इसका सरफेस एरिया निकालूं या इसका लाइन इंटीग्रल निकालूं, अल्टीमेटली आएगा क्या, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए मैं क्या करूं, मैं ये लिख सकता हूं कि दिस रो एल विल बी इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू द थिकनेस ऑफ द लाइन। थिकनेस ऑफ द लाइन कितनी है, डी वाई डैश, डी वाई डैश। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना मेरा, ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा और एलैबोरेट फॉर्म में मैं लिख सकता हूं, दिस डी ई विल बी इक्वल्स टू रो एस डी वाई डैश डिवाइड बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर की पावर वन बाई टू। यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को, यहां तक समझ में आया? अब आप जरा ध्यान से देखो, सिमेट्री प्रॉपर्टी जो हमने वहां लगाई थी वो हम यहाँ भी लगाते हैं। सिमेट्री प्रॉपर्टी लगाई थी ना हमने लाइन चार्ज के केस में, क्या लगाया था कि अगर एक पॉइंट इतना है तो उतनी ही दूरी नीचे मैंने एक पॉइंट ले लिया, ये वाली फील्ड और ये वाली फील्ड मैंने ऐड कर दी, तो रिजल्टेंट ये वाले कैंसिल आउट हो गए, ये कैंसिल आउट हो गए और ये वाले कॉम्पोनेंट्स ऐड हो गए। वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा, जितनी दूरी इधर मैंने एक लाइन चार्ज ज्यूम करा है उतनी ही दूरी इधर नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई डायरेक्शन में मैं एक लाइन चार्ज कंसिडर कर सकता हूँ, उतना ही थिक डी वाई डैश थिकनेस का। मैं यहाँ पर डॉटेड लाइन से दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को विजुलाइज करने में आसानी हो और सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज सिमेट्री प्रॉपर्टीज से आप इसको विजुलाइज कर पाओ बेसिकली कि मेरा टोटल फील्ड कितनी आएगी। दिस इज डी वाई डैश, द थिकनेस इज अगेन डी वाई डैश, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी वाई डैश। ठीक है बच्चों, अगेन दिस इज लाइन चार्ज, इस लाइन चार्ज से अगर मुझे क्या निकालना है, मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, तो वो क्या होगी, वो सीधे सीधे इसको मिला दो इस डायरेक्शन में और आगे एक्सटेंड कर दो। ठीक है, अगर इस पॉइंट से देखो तो इसकी फील्ड ऐसी होगी। अब लॉजिकली अगर मैं इसके कंपोनेंट को, इस वाले कंपोनेंट को दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करूं, इस डायरेक्शन में जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है और एक्स डायरेक्शन में, सिमिलरली अगर मैं इस वेक्टर फील्ड के कंपोनेंट रिजॉल्व करूं एक्स के परपेंडिकुलर और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो आप वही प्रिंसिपल वही सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज जो हमने लाइन चार्ज के केस में लगाई थी वही सेम सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज आप यहां पर भी सरफेस चार्ज के केस में भी लगा सकते हो। हाँ या ना, जल्दी से बताओ, लगा सकते हो ना? यस सर, लगा सकते हो? यस सर, यस सर। देखो ये दोनों के दोनों कैंसिल आउट, यस सर, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है ना, यानी केवल एक कंपोनेंट बचेगा, वो कंपोनेंट क्या बचेगा, वो कंपोनेंट बचेगा केवल और केवल एक्स डायरेक्शन में। ये क्लियर हुआ या नहीं, दो वेक्टर कंपोनेंट थे, एक ये और एक ये, मैंने इनके कंपोनेंट्स रिजॉल्व करे कुछ ऐसे और ऐसे, तो ये दोनों, ये वाले दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। मैं ब्लू ले लेता हूं, दिस ब्लू will be cancelled out, ये cancel out होगा। ठीक है, और ये जो मेरा green था, ये मेरा green वाला basically क्या हो गया, ये add up हो गया, सारे components क्या हैं वो add up हो गए। ठीक है, clear है? clear है बच्चों? yes sir,
यस सर। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि दिस डी ई इज हैविंग ओनली ई एक्स कंपोनेंट, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में ही कंपोनेंट है ना, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है, तो मैं डी को क्या लिख सकता हूं, डी ई एक्स लिख सकता हूं, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में ही इसका मैग्नीट्यूड है, कंपोनेंट है, वाई और जेड में कोई कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग मेरी शीट है y में भी और z में भी, और इनफाइनाइटली लॉन्ग सेवरल इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज के थ्रू मैं मान करके चल रहा हूँ कि ये मैंने शीट बनाई है। अब अगर मैं ये बोलूँ कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ तो मुझे फील्ड मिल जाएगी टोटल, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक अगर मैं डी वाई में इंटीग्रेट कर दूँ तो मुझे टोटल फील्ड मिल जाएगी, क्यों, क्योंकि अगर मैं मान के चलूँ कि ये मेरी टोटल शीट है और इस शीट के मैंने बहुत सारे लाइन चार्जेस रख रखे हैं बहुत कम दूरी पे, एडजेसेंट दूरी पे, दैट मींस आई एम इंटीग्रेटिंग, है ना, जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ, दे आर ऑलमोस्ट अटैच टू ईच अदर, दैट मींस दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दैट मींस दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, मतलब हम बोल सकते हैं कि हम ये एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेशन करता हूँ, आई विल इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, किसको करेंगे, अपने ई एक्स वाली फील्ड को, यानी इसको इसको, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दिस विल बी ई एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डी ई एक्स, यानी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, अब देखो यहाँ पर है क्या, मैं वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, दैट मीन्स ये जो लिमिट्स हैं किसकी है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाई की लिमिट है, क्यों, क्योंकि शीट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट लाइन तो ऐसे रखी है ना, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, किसको, वाई को, वाई डैश को, है ना, तो रो एस डिवाइड बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉन्स्टेंट है ना, इसको चाहो तो आप बाहर ले लो इंटीग्रेशन से, बिकॉज इट इज कॉन्स्टेंट, ठीक, और क्या बचेगा, वन डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर पावर हाफ, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस है पुराने वाले केस में, क्योंकि पुराने वाले केस में हम डिफरेंशियल लाइन के केस में हम जब निकालते थे फील्ड, तो हम क्या करते थे, हम फील्ड निकालने के लिए बेसिकली उसको इंटीग्रेट करते थे, है ना, लेकिन यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर जो जो हेलो बच्चों आवाज आ रही है ना, यस सर, यस सर, हाँ ठीक ठीक ठीक, है ना, यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट क्या है, अगर मैं इसको बोलूं कि ये मेरा ई कंपोनेंट है, दिस इज ई कंपोनेंट, ये मेरा ई कंपोनेंट है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा ना, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा, अगर ये ई है और मुझे इस ई का ई एक्स कॉम्पोनेंट पता लगा तो ई एक्स कॉम्पोनेंट कितना है, दैट विल बी ई का कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ई एक्स विल बी ई कॉस थीटा होगा या नहीं, तो मैंने मैग्नीट्यूड लिया और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इस डी ई एक्स को इन टर्म्स ऑफ ई निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट है, यहाँ पर लेकर के चल रहा हूँ, तो सिंपल में यहाँ कॉस थीटा और लिखूंगा। अब उस ज्योमेट्री से मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो बेस इज एक्स एंड हाइपोटेन्यूज इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर, सो दिस विल बी कॉस थीटा विल बी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ अगर मैं वो सेम चीज यहाँ रख दूँ तो ई एक्स मेरा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा रो एस डिवाइड बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉन्स्टेंट है इसको बाहर ले लो, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये ऐसे ही रहने दो, उसके बाद कॉस थीटा की जगह हो जाएगा एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, पावर वन बचेगी। और यहाँ पर क्या है, ये क्लियर है? यस सर। क्लियर है ना? यस सर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर को अगर मैं कुछ मान लूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू सपोज क्या माने लैम्डा मान लेते हैं, ठीक है, तो टू एक्स डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सॉरी अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सीधे इंटीग्रेशन कर दूं वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तो मुझे पता है क्या होता है, ये दिस इज वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, बेसिकली क्या है ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर हम देखें तो वो कितना होता है, वो होता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, तो वही सेम चीज़ मैं यहाँ पर रख देता हूँ तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी सिंपली रो एस डिवाइड बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस सॉरी इंटीग्रेशन तो अब खत्म हो जाएगा, ठीक है, दिस विल बी वन अपॉन एक्स मतलब वन अपॉन एक्स इन टू एक्स और टेन इनवर्स वाई डैश अपॉन एक्स, ठीक है, और लिमिट आ जाएगी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये मैंने रख दिया तो एक्स से मेरा एक्स कट गया है ना सर। हाँ सर, ये वन अपॉन एक्स कैसे आया, वन अपॉन एक्स ऐसे आया है, फॉर्मूला जो है ये रखा था, ये चीज इसको कंपेयर करो, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए है, यस सर समझ गया, इक्वल टू एक्स है, ये एनालॉजी यहाँ पे लगा दो, यस सर, ठीक है, तो ये एक्स तो कॉन्स्टेंट है ना, मैं इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहा हूँ है ना, यहाँ ये लगा दो, दिस विल बी रो एस डिवाइड बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी अपॉन एक्स सॉरी प्लस इन्फिनिटी अपॉन एक्स माइनस टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी अपॉन एक्स, ये हो जाएगा, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है जल्दी बताओ, टेन इनवर्स इन्फिनिटी 90 माइनस 90 इनवर्स माइनस इनफिनिटी -90, ठीक है, और पाई बाई टू माइनस माइनस पाई बाई टू मतलब पाई, तो दिस विल बी रो एस डिवाइड बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी पाई, इस वाले पाई से ये वाला पाई खत्म, क्या बचा रो एस डिवाइड बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आया, ये आया ई एक्स, अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं तो आई कैन राइट इट एज ई इक्वल्स टू रो एस डिवाइड बाई टू एप्सिलॉन नॉट ए एक्स क्या, या अगर हम देखें शीट मेरी कहां थी, शीट मेरी थी इधर y और इधर z, yz प्लेन में थी और शीट yz प्लेन में थी तो a x कैप्स ये मेरा परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया, ठीक है, a x कैप परपेंडिकुलर है मतलब उस शीट के नॉर्मल वेक्टर, ये नॉर्मल वेक्टर जो है ये इस फील्ड का इंटेंसिटी का वेक्टर होगा है ना, या अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो आई कैन राइट इट एज रो एस डिवाइड बाय टू एप्सिलॉन नॉट ए एन कैप, वेयर ए एन इज व्हाट द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस टुवर्ड्स द पॉइंट, देखो शीट के नॉर्मल दो वेक्टर हो सकते हैं, शीट के इधर की तरफ, ये सपोज शीट है तो शीट के इधर की तरफ या शीट के उधर की तरफ, मुझे लेना है नॉर्मल वेक्टर टुवर्ड्स द पॉइंट,
towards the point at which I am calculating the field. ठीक है बच्चों? Yes sir. Calculating the field. This is the unit vector norm. तो आप चाहो तो rho s divided by 2 epsilon naught ax cap ले सकते हो, ay cap ले सकते हो, az cap ले सकते हो, या सिंपल a n cap भी ले सकते हो. आप जल्दी से बताओ मुझे ये क्लियर हुआ या नहीं, क्योंकि अगर ये क्लियर हो गया तो फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल दूंगा और 5 मिनट में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आप मुझे बताओगे कि फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस डेली लाइफ में इसका यूज क्या है. ठीक है, एक बार थोड़ा सा ऊपर समझ में नहीं आया सर. एक क्वेश्चन, पहली बात तो ये कि अगर मैं लाइन चार्ज की वजह से देखूं तो लाइन चार्ज की वजह से ये जो एंगल होगा ये वेक्टर है ई, तो इसका मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में कितना होगा, ई कॉस थीटा होगा. तो मैंने ई कॉस थीटा ले लिया, तो यहाँ पर मैं कॉस थीटा यहाँ लेकर के चलूंगा. बाकी सारा मुझे पता ही है, रो पता है, रो एल पता है, 2π ε₀ रो कॉन्स्टेंट है वो पता है. ठीक है, तो ये एज इट इज मैंने यहाँ पर लग दिया. अब यहाँ पर थीटा था तो उस थीटा की वैल्यू से मैंने कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली, वो कितनी आई, वाई एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट. ठीक है, अब जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट की मल्टीप्लाई मैं इससे करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा. और यहाँ पर मैं ए डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मुझे पता है इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन होता है 1/a tan inverse x/a. तो इस एक्स से एक्स कट गया और टेन इनवर्स वाई बाई एक्स में मैंने लिमिट लगा दी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट. दिस विल बिकम पाई बाई टू माइनस माइनस पाई बाई टू, मतलब पाई, इस वाले पाई से ये वाला पाई कट गया. आंसर क्या आया, रो एस डिवाइड बाई 2 epsilon naught. और अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो अवे फ्रॉम द सरफेस, यानी वेक्टर यूनिट नॉर्मल अवे फ्रॉम द सरफेस, दैट इज ए एक्स कैप और दैट इज ए एन कैप. क्लियर हो गया? यस सर. ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको फटाफट से इसका आंसर बताना है. क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म इनफाइनाइट लॉन्ग सरफेस शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी रो एस इक्वल टू 2 nC/m² is placed or located at x equal to 0, mean to say yz plane. ठीक है, कैलकुलेट ई एट कहां पे, 1 0 0 एंड इसको बोल दो 5 0 0. ठीक है, डिस्टेंस 5 हो जाएगा, अच्छा लगेगा. ठीक है, और यहां पर मैं ले ले रहा हूं x की वैल्यू सपोज 3, y की वैल्यू सपोज 4, z की वैल्यू सपोज 0. आप मुझे फटाफट से इन दोनों पॉइंट्स पर इस शीट की वजह से फील्ड निकाल करके बताओ. कैसे निकालेंगे, E, अगर मैं पहले केस की बात करता हूं तो पहले केस के लिए E कितना होगा, पहले केस के लिए E होगा रो एस डिवाइड बाई 2 epsilon naught ए एन कैप. और ए एन कितना है, एक्स इक्वल टू 0 मतलब ए एक्स कैप, तो ए एन क्या हो जाएगा, ए एक्स कैप हो जाएगा. ठीक है, नाउ द थिंग इज रो एस कितना है, 2 nC/m² डिवाइड बाई 2 × 8.85 × 10⁻¹². Yes sir. 10⁻¹², मतलब सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, दैट विल बी 2 से 2 कैंसिल आउट, 8.85 × 10⁻¹². ठीक है, देखो लॉजिकली मैंने करा क्या,
ये शीट थी मेरी एक्स वाई प्लेन में, सॉरी वाई जेड प्लेन में, और पॉइंट दे रखा था आपको ये वाला, ये वैल्यू है 5, एक्स इक्वल टू 5 है, वाई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसका नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि शीट में वाई एक्सिस में रखी है, तो यही डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा, ये एक्स कैप यूनिट वेक्टर हो गया। अब मैंने पॉइंट थोड़ा चेंज कर दिया है, अब मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में मेरा पॉइंट थोड़ा चेंज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में पॉइंट क्या है, एक्स इक्वल टू 3, यानी एक्स इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 4 और जेड इक्वल टू 0, यानी यहाँ पॉइंट है, ठीक है। जब पॉइंट यहाँ है और फील्ड इनफाइनाइट लॉन्ग है, इधर भी और इधर भी है ना, इनफाइनाइट लॉन्ग है, सब तरफ से इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट लॉन्ग है, तो वी कैन ईजिली से कि अब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 3, 4, 0, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, अभी भी ए एक्स कैप ही होगा, है ना, ए एक्स कैप होगा, यानी अभी भी ये वैल्यू यही होगी, और रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो आपने निकाल ही रखा है, yes, sir. है ना। तो आप चाहे पॉइंट कुछ भी ले लो, चाहे पॉइंट कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, अगर वो उस शीट के एक ही डायरेक्शन में है, एक तरफ ही है, तो फील्ड शीट चार्ज की वजह से सेम ही आएगी। अगर पॉइंट में बोलता एक्स इक्वल टू माइनस 1, वाई इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 0, या एक्स इक्वल टू माइनस 1, वाई इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0, तो केवल जरा सा चेंज आता, वो क्या होता, यहाँ पर माइनस आ जाता, एवरीथिंग एल्स विल बी सेम। क्यों? क्योंकि मैं शीट के पीछे की तरफ चला गया, शीट मेरी यहाँ है तो मेरा पॉइंट उधर की तरफ है, तो मैं वेक्टर लगाऊंगा माइनस ए एक्स कैप। अगर शीट मेरी यहाँ है, पॉइंट इधर की तरफ है, तो मैं वेक्टर लगाऊंगा प्लस ए एक्स कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दी पॉइंट, टूवर्ड्स दी पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर लगेगा ए एक्स कैप, तो दोनों पॉइंट्स जो हैं वो एक्स के पॉजिटिव वैल्यू पर है, मतलब शीट के एक तरफ ही हैं, इसीलिए मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, डायरेक्शन भी जो है वो दोनों में सेम है, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर वो डायरेक्शन उधर की तरफ होती, पीछे की तरफ होता, तो मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो उधर ही लगाता, लेकिन वेक्टर का एंगल, वेक्टर का जो साइन है वो ऑपोजिट लगाता, माइनस लगाता, ठीक है। क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर है? ठीक है। अब यस सर, देख रहा हूँ, फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, लाइन चार्ज की वजह से जो फील्ड है वो कितनी है, that will be E is equals to rho L divided by 2 pi epsilon naught rho, ठीक है, यानी E is inversely proportional to the distance between the line and the point. Surface charge या sheet charge की वजह से क्या होगा, sheet charge की वजह से क्या है, E is equals to rho s divided by 2 epsilon naught. It is constant with respect to distance. और अगर मैं point charge की बात करूं, तो point charge के लिए क्या होता है, point charge के लिए अगर आपको याद हो, तो मेरा जो E आता था वो कितना आता था, will be q divided by 4 pi epsilon naught r square. यानी E is inversely proportional to 1 upon R square. आप जरा इसको डेली लाइफ से कंपेयर करके देखो, आपके पास तीन चीजें हैं, एक बहुत छोटा सा एलईडी बल्ब है, उसको मैं केस नंबर 1 यानी पॉइंट चार्ज की तरह से लिख सकता हूं, बहुत छोटा सा एलईडी बल्ब है। दूसरा मेरे पास एक ट्यूब लाइट है, रॉड, ठीक है, इल्यूमिनेटिंग रॉड, यहां से यहां तक उसकी लेंथ है, पतली वाली रॉड बिल्कुल, ठीक, जो एलईडी की आजकल आ रही है बिल्कुल पतली सी स्ट्रिप में। और तीसरा है मेरा शीट चार्ज, शीट चार्ज का मतलब आप, चलो मैं अभी बताऊंगा वन बाय वन। अगर मैं पॉइंट चार्ज की बात करूं,
तो पॉइंट चार्ज के केस में देखो आप ध्यान से, अगर आपने एलईडी बल्ब को ध्यान से देखा हो तो एलईडी बल्ब के जितने पास जाओगे आप उतनी ही तेज आपको ब्राइटनेस लगेगी, और जितनी दूर जाते रहोगे आप उतनी ही जल्दी वो लाइट डिक्रीज होती लगेगी। यानी जो इस एलईडी बल्ब के पास वाली कर्व्ड सरफेसेस हैं वहां पर तो आपको क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी मिलेगी, और जितनी दूर होती जाएगी उतनी ही लाइट इंटेंसिटी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि पॉइंट चार्ज से जो मेरी प्रोपोर्शनैलिटी है ई की, वो कितनी है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। यानी जैसे मैं आर बढ़ाऊंगा, आर बढ़ाऊंगा एक की जगह आर कर दूंगा दो, तो फील्ड जो है वो वन की जगह क्या हो जाएगी, वन की जगह वन बाई फोर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आर यहां पर था मेरा वन, यहां पर आर हो गया टू, आर मैंने दुगना बढ़ाया, फील्ड मेरी चौगुनी कम हो गई, स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। लेकिन अगर मैं लाइन चार्ज की बात करता हूँ, ट्यूब लाइट की बात करता हूँ, ध्यान से देखो आप ट्यूब लाइट में आप चाहे इधर की तरफ मूव करो या इधर की तरफ मूव करो, है ना, या सेंटर में मूव करो, ठीक है। अगर आप यहाँ हो तो इंटेंसिटी थोड़ी कम है, ज्यादा है मतलब, अगर आप थोड़ा और ज्यादा गए तो जितना आप ट्रेवल करें लगभग उतना ही आपने लाइट को कहीं की इंटेंसिटी को देखा। अगर आप थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गए ना, तो आपकी डिस्टेंस एक्चुअल में यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही काउंट हो रही है, मतलब इट इज ऑलमोस्ट कंसिडर्ड एज अ मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, ठीक है। तो एक छोटे से रूम के लिए एक बड़ी सी ट्यूबलाइट मैं इन्फाइनाइट लाइन चार्ज मान सकता हूँ। ऐसे केस में चाहे उसकी इंटेंसिटी वॉल के किसी भी कोने पर डिस्टेंस ना भी जाए, अगर वो उस लाइन के पैरेलल वाली लाइन पर है तो इंटेंसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसीलिए हम कहते हैं कि लाइट जो ट्यूब लाइट की लाइट है वो एक तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द रूम, ओवर द वॉल, एटलीस्ट ओवर द वॉल इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एज कम्पेयर टू एलईडी बल्ब, ठीक है। एलईडी बल्ब के कंपेरिजन में थोड़ा कम डिक्रीमेंट हो रहा है ट्यूब लाइट का। अगर मैं लाइट के पास जाता हूँ तो ऐसा नहीं है कि बहुत तेज लाइट मेरे को जा रही है, बहुत तेज लाइट पड़ रही है। अगर मैं बहुत दूर जाता हूँ तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं आर की वैल्यू अगर यहाँ एक की जगह दस कर दूँ, है ना, तो पावर पता लगा ई बाई हंड्रेड हो गई, ऐसा नहीं है। वो डिस्टेंस के 10 ही प्रोपोर्शन में कम होगी अगर मैं लाइन चार्ज की बात करता हूँ। तो क्लियर है बच्चों, लाइन चार्ज के केस में पावर भी, मेरी इंटेंसिटी भी कितनी, उतनी डिस्टेंस के प्रोपोर्शन में ही कम हो रही है। और तीसरा केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, तीसरा केस है सरफेस चार्ज डेंसिटी। आपने सपोज कभी ऐसा टाइम जब सूरज ना निकल रहा आसमान में, ठीक है, देखा है आपने कभी ऐसा टाइम? यस सर। लेकिन रोशनी सूरज ना निकल रहा और रोशनी हो, यस सर, देखा है ना? यस सर। पूरा स्काई, पूरा स्काई जितना भी हमें देख सकते हैं, जितना भी हमारी आंखों से दिखता है थ्रू आउट, है ना, वो ऑलमोस्ट ब्लू या व्हाइट, अगर स्काई में क्लाउड्स हैं तो व्हाइट, अदरवाइज ब्लू दिखेगा। यस सर। और आप धरती के किसी भी कोने पे चले जाओ, अगर धरती इधर है और सूरज यहाँ कहीं है जो मुझे दिख नहीं रहा, तो चाहे मैं इस पॉइंट पर बात करूँ, चाहे मैं इस पॉइंट पर बात करूँ, चाहे मैं इस पॉइंट पर बात करूँ, अगर लाइट की इंटेंसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि वो लाइट जो है वो उस स्काई जो आपको इस अर्थ के प्रोपोर्शन में दिख रहा है, चाहे इंटेंसिटी यहाँ देखो, चाहे इंटेंसिटी यहाँ देखो, चाहे इंटेंसिटी इस पोर्शन पर देखो, चाहे इंटेंसिटी इस पोर्शन पर देखो, जिस पोर्शन पर ये आसमान पूरा यूनिफॉर्म दिख रहा है मेरे को, ब्लू वाला दिख रहा है, ऐसे केस में मैं ये बोल सकता हूँ कि थ्रू आउट द अर्थ, चाहे डिस्टेंस, ये सन है, इसकी डिस्टेंस यहाँ कम है, यहाँ और ज़्यादा है, है ना, लेकिन तब भी लाइट की इंटेंसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये इसीलिए है क्योंकि सरफेस, अगर इनफाइनाइट सरफेस है तो इनफाइनाइट सरफेस पर हम ये बोलते हैं कि वो डिस्टेंस पर डिपेंडेंट नहीं है, फील्ड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस। दूसरा एग्जांपल देता हूँ जो थोड़ा और प्रैक्टिकल दिखेगा आपको। आप कभी सिनेमा हॉल गए हो? यस सर। सिनेमा हॉल में आपने देखा होगा कि जो ऊपर रूफ है उस रूफ पर आपकी कई सारे छोटे छोटे बल्ब लगे हुए होते हैं कुछ फिक्स दूरी पर। यस सर। ऐसा करने का एक सिंपल सा फंडा यह है कि उन्होंने अपनी लाइट इंटेंसिटी को थ्रू आउट द सरफेस, थ्रू आउट द रूफ क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
अगर मैं केवल एक बल्ब जलाऊंगा, सपोज केवल ये बल्ब ग्लो कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसकी इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। लेकिन अगर मैं सारे बल्ब जला दूंगा तो ये एक लाइन बन जाएगी। अगर मैं ये बना दूंगा, ये और ये सारे जला दूंगा, तो ऑटोमेटिकली दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ सरफेस, यूनिफॉर्मली इल्यूमिनेटेड सरफेस। तो अगर आप हॉल के किसी भी कोने में हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे कहीं पे भी हो, है ना, द डिस्टेंस इज सेम, इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस द इल्यूमिनेशन इज सेम। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट कैन बी कंपेयर्ड विद द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, वो ऑलमोस्ट सेम होगी चाहे आप उस पोर्शन में, उस रूम के किसी भी कोने में हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस। ये एक बहुत सिंपल सा फिजिकल एप्लीकेशन है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। क्लियर हो गया बच्चों? तो फील्ड ऑफ अ लाइन चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन एंड द पॉइंट। फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। अगर मुझे शीट के परपेंडिकुलर चाहे पॉइंट 10 किलोमीटर दूर दे रखा हो या चाहे 10 मीटर दूर दे रखा हो, द फील्ड मैग्नीट्यूड विल बी सेम फॉर इनफाइनाइट सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में, मेरा जो फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो एग्जैक्टली सेम होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस। अगर मैं पॉइंट चार्ज के केस में देखता हूँ, तो पॉइंट चार्ज के केस में द फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जितना मैं आर बढ़ाऊंगा, आर स्क्वायर में मेरा मैग्नीट्यूड कम होगा। लाइन चार्ज के केस में जितना मैं रो बढ़ाऊंगा, उस रो के प्रोपोर्शन में ही मेरी इंटेंसिटी कम होगी। लेकिन सरफेस चार्ज के लिए चाहे मैं आर कितना भी ले जाऊं, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द फील्ड इंटेंसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इंटेंसिटी विल बी सेम। दैट्स इट। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। समझ में आ गया ना? ठीक। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, और आपको ये क्वेश्चन मुझे आज शाम तक व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है, ठीक है? क्वेश्चन है, अगर दो सरफेस चार्ज डेंसिटी है रो एस वन इक्वल टू 2 नैनो कूलॉम पर मीटर स्क्वायर और सीट चार्ज डेंसिटी रो एस टू इक्वल टू 3 नैनो कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? ये आपकी रखी है एक्स इक्वल टू 2 प्लेन पर, यानी वाई जेड प्लेन पर, ठीक है? और एक आपका वाई इक्वल टू 3 प्लेन है, मैं बोल सकता हूं इसको एक्स जेड प्लेन, ठीक है? वाई इक्वल टू 3 प्लेन मतलब एक्स जेड प्लेन। अब आपको फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है 0, 0, 0 पे इन दोनों की ही वजह से, है ना? तो E will be equal to कितना हो जाएगा? Simply E1 plus E2. आप E1 निकाल लो और E2 निकाल लो और उन दोनों को ऐड कर दो। एक दूसरा पॉइंट है, ये तो पॉइंट है P, एक दूसरा पॉइंट है Q, उसकी वैल्यू है -1, -2, -5, ठीक है? आपको इन दोनों पॉइंट्स पर फील्ड निकाल करके मुझे बतानी है कि ये फील्ड बेसिकली दोनों शीट चार्ज की वजह से ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, कुछ अलग अलग डायरेक्शन में आ रही हैं, सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, क्या आ रहा है वो आपको मुझे बताना है, ठीक है बच्चों? क्लियर है? समझ में आ गया क्वेश्चन? दोबारा बोलूं? सर आ गई। ठीक है, दो पॉइंट है पी और क्यू, इन पॉइंट्स पर फील्ड निकालनी है। दो शीट है एक्स इक्वल टू 2 पे और वाई इक्वल टू 3 पे, यानी वाई जेड और एक्स जेड प्लेन पे। आपको इन दोनों शीट की वजह से इन दोनों पर्टिकुलर पॉइंट्स पर अलग अलग फील्ड निकालनी है E1 और E2, और फिर E1 E2 P पर ऐड कर देंगे और E1 E2 Q पर निकालेंगे तो Q पर ऐड कर देंगे, दोनों फील्ड आपका आ जाएगा, ठीक है? आई होप आज के लिए सफिशिएंट है। अब मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लेता हूँ।